जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है दोस्तों, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। कई बार पैरों की एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कई बार हमसे खड़े रहते नहीं बनता एड़ी के दर्द के मारे। तो किसी भी तरह के हड्डियों का दर्द हो, चाहे पैरों की एड़ी का दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, ज्वाइंट पेन से राहत पाने का एक बहुत बढ़िया घरेलू नुस्खा आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपके लिए मैं 4 अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आपको पुराने से पुराना हड्डियों के दर्द से, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से का हो, छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले खाने पीने का ध्यान रखें। रोज़ सुबह उठकर मेथी का पानी पीना स्टार्ट करें। आधा चम्मच मेथी और चुटकी भर कलौंजी ली है। मेथी जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड कहते हैं, कलौंजी जिसे हम लोग ब्लैक क्यूमिन सीड कहते हैं, एक गिलास पानी में चुटकी भर कलौंजी और एक चम्मच मेथी को भिगा दें। सुबह उठकर मेथी के पानी को गरम गरम पिएं। मेथी का पानी हमारी कई बीमारियों को दूर करेगा। दूसरा तरीका, आपको लेना है एक प्याज को कद्दूकस कर लीजिए। प्याज का रस और 2 कली लहसुन ले लीजिए। लहसुन और प्याज के रस में तिल्ली का तेल या मस्टर्ड ऑयल मिलाकर उससे आप उस जगह की मालिश करें जहां पर दर्द है। अब पैरों की एड़ियों में दर्द है ना, तो रात के समय ही मालिश करें। दिन भर तो हम लोग चलते फिरते रहते हैं, खड़े होते हैं, उठते हैं, कहीं फिसलने का डर रहेगा, इसलिए आप लोग रात के समय ही, एड़ी वाले लोग जिन्हें एड़ी में दर्द है, जिन्हें घुटने में दर्द है, वे कभी भी इस पैक को लगा सकते हैं। प्याज और जो मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, उसमें हल्दी डाला है, सरसों का तेल डाला है, अच्छी तरह से इसे पका लेना है। पकाना मतलब जलाना नहीं, गरम करना है सिर्फ, ताकि आपकी सिकाई हो सके। वैसे भी दोस्तों, जिन्हें हड्डियों में तकलीफ है, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न है, घुटने से कटकट की आवाज़ आती है, या एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है, उन्हें ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इस मलहम को गरम गरम लगाना है। ये मलहम आपके बाकी कपड़ों को ख़राब ना करने पाए, गंदा ना करे, तेल ना लगे, इसलिए मैंने एक वेजिटेबल पॉलीथीन का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है कैंची से, और उसके ऊपर इस गरम गरम प्याज लहसुन और सरसों तेल के पेस्ट को रखा है, ताकि हल्दी के दाग भी ना पड़े। अब एक सूती पुराना कपड़ा ले लीजिए, उसकी आप एक पट्टी सी बना लीजिए और उस जगह पर बांधिए जहां पर आपको तकलीफ है। पैरों की एड़ी पर है ना दोस्तों, तो एड़ी में गरम गरम इस प्याज और लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिला हुआ, आप सबको पता है हल्दी जो होती है एक दर्द निवारक होती है, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। हमारी मांसपेशियों में जो दर्द, चोट, मोच, उसे खींच लेती है। अभी मैं आपको केवल अपने हाथों पे लगा के यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से वहाँ पर लगाना है जहाँ की हड्डियों में आपको तकलीफ है, चोट आ गई, मोच आ गई, पैर हाथ मुड़ नहीं रहा है, खड़े होते नहीं बन रहा है, वहाँ पर इसे लगाइए। अगली रेमेडी है जिसमें मैंने लिया है एक आयुर्वेदिक जादुई पत्ता। ये पत्ता क्या है? आंकड़े का, आँख, मदार, इंग्लिश में इसे हम लोग कैलोट्रोपिस भी बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इस पत्ते में फूल होते हैं सफ़ेद रंग के। इस पत्ते का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। यह पत्ता थोड़ा सा जहरीला होता है, परंतु कई औषधि को बनाने में वैद्यों के द्वारा इसकी दवाई बनाई जाती है। आयुर्वेद में मदार का, कैलोट्रोपिस का बहुत महत्व है, और ये बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक पत्ता है दोस्तों। इस पत्ते को गरम गरम बांध लीजिए। इसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारी हड्डियों की सूजन को, दर्द को खींचने का काम करते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस पत्ते का। पत्ता है, लगाना है, खाना नहीं है, लगाना है, लगा सकते हैं। गरम करके लगाएं, ठंडा ना लगाएं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। गरम करने से पहले आप चाहें तो इन पत्तों में थोड़ा सरसों का तेल लगा लीजिए। कोई पुराना बर्तन ले लीजिए, तवा ले लीजिए, उल्टी तरफ तवे के रखिए, क्योंकि थोड़ा जहरीला होता है, मैंने बताया। प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, हाथों को अच्छी तरह से धो लें, इतना भी डर नहीं है, परंतु बर्तन ऐसा लें जिसमें खाना नहीं बनाते। मैं इस तवे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ कुकिंग में, इसलिए मैंने यहाँ पर पत्तों को गर्म करने रख दिया है। गैस चालू कर दीजिए। तिल्ली का तेल, सेसमे सीड ऑयल और सरसों का तेल और कैस्टर ऑयल, ये तीनों में से जो भी तेल है आप ले सकते हैं 1 चम्मच। पूरे पत्ते पर फैला दीजिए। चाहे तो हल्दी लगाएं। आपको लगता है हल्दी से पीलापन आ जाएगा हमारे कपड़ों में, हल्दी स्किप कर दीजिए। तेल जरूर डालें, तेल ही तो मांसपेशियों के द्वारा अंदर हड्डी तक जाएगा और दर्द को खींचने का काम करेगा। और इसके जो रसायन होते हैं ना दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब गर्म करने से वो बाहर निकलती हैं, इसलिए इन पत्तों को गर्म गर्म लगाना ज़रूरी है। कम से कम आधे घंटे, आप चाहें तो 1 घंटा लगा कर रखें दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पैरों की एड़ी में है ना, तो क्या करिए आप लोग, इस पत्ते को ले लीजिए। उसके बाद आप कोई पुराना मोजा पहन लीजिए। बहुत से सॉक्स होते हैं जो फट जाते हैं हमारे, पुराना सॉक्स को पहन लें, ताकि ये पत्ता आपके पैरों के तलवे पर चिपका रहे, आपके पैरों की एड़ी पर चिपका रहे। कमाल का रिजल्ट मिलेगा, खुश हो जाएंगे आप लोग। इतनी पावरफुल रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ।
तो बढ़िया, देखिए मैं पलटती जा रही हूँ इन पत्तों को और आप देख रहे हैं इसमें बबल्स उठ रहे हैं, मतलब पत्ते अच्छे तरह से सिक चुके हैं। बस अब यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया, इसे रखना नहीं है, इसे जितना गर्म सहन कर सकते हैं उतना गर्म गर्म ही इसे बांध लेना है। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ, आंकड़े का पत्ता नहीं मिलता तो क्या करें, खाने वाला चूना ले आइए। ये मैं पान की दुकान से 10 रुपए की खाने वाले चूने की डब्बी लाई हूँ जिसे पान में लगाकर खाया जाता है, और इसमें हल्दी मिला के, हल्दी चूना को मिला लीजिए, चाहे तो तिल्ली का तेल डाल लीजिए, पानी डाल दीजिए 2 चम्मच, इसका पेस्ट लगा लीजिए। इस पेस्ट को हल्का गर्म गर्म करके ही लगाना है, किसी कढ़ाई में डालें और थोड़ा सा गर्म कर लें, गुनगुना लगाइए, हल्का सा गरम लगाइए और लगा कर रखिए इसे। पुराने कपड़े से अपने हाथ को या पैरों की एड़ी में दर्द है, घुटने में दर्द है, वहाँ पर लगाइए और कपड़ा लपेट लीजिए। तेज़ी से ये हल्दी चूने का लेप, पहले हमारी माँ लोग यही करते थे दोस्तों, खेलते खेलते गिर जाते थे ना, तो यही हल्दी चूने का लेप लगा लेते थे, बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो आपको भी इससे बहुत ही आराम मिलने वाला है। तो इस पैक इसको लगाया है मैंने, देखिए, और अब मैं क्या करूँगी, गरम गरम अभी तवे से उतारा है मैंने इस पत्ते को और बांध लूँगी। कोई पुराने कपड़े से लपेट लीजिए या क्या करिए, एक धागा ले लीजिए, धागे से ना इस पत्ते को पहले फिक्स कर लीजिए। अभी मैं हाथों में लगा के दिखा रही हूँ आपको, पैर पे, घुटने में, अगर कमर में दर्द है तो कम से कम 3 पत्ते को लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 पत्ता लिया है हाथ के लिए, कमर में 3 पत्तों को लीजिए, रखिए, पुराना दुपट्टे के कपड़े से कमर को लपेट लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। कम से कम 1 घंटा रखिए, सारा दर्द खींच लेगा। अगर कम दर्द, ज्यादा कम नहीं होता है तो दूसरे दिन फिर से रिपीट करिए, आप देखेंगे आपका पुराना से पुराना हड्डियों का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। 4-5 महीने में वापस अगर ये दर्द उठता है तो वापस इसे रिपीट कर लें। ये तो नेचुरल चीजें हैं दोस्तों, हम आसानी से दवाई खाने से तो अच्छा नेचुरल तरीके से अपने दर्द को कम करें। इसके अलावा अगली रेमेडी जो लेकर आई हूं, आपको अजवाइन से सिकाई करना है। कैरम सीड कहते हैं अजवाइन को। क्या करिए, एक सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें उसकी पोटली बना लीजिए, और पोटली को बनाकर आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लिया, देखिए गरम 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 कर लिया, अच्छा गैस पर मैंने, इस कढ़ाई पर मैं अजवाइन की पोटली को रखती जा रही हूँ। सूती कपड़ा लीजिएगा और इस अजवाइन की गरम गरम पोटली से सिकाई करिए, जहाँ पर आपको सूजन है, दर्द है, या किसी हिस्से के शरीर की नस दब गई है, वहाँ पर अजवाइन की पोटली से सिकाई करें। अजवाइन एक नेचुरल दर्द निवारक होती है। इसी तरह से पैरों के तलवे का रात के समय करें, ताकि आपके फिसलने का डर ना रहे, और पत्ते को बांध के धागा लपेट लीजिए, मोजा पहन लीजिए, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। बाद में हल्के गर्म पानी से इस जगह को साफ कर लीजिए। तो इसे जरूर ट्राई करें। खाने पीने का ध्यान रखें, खट्टी ठंडी चीज़ों से परहेज करना है, इमली, खटाई, नींबू, आंवले का सेवन, दही बिल्कुल भी नहीं खाना है, गर्म चीज़ें ही खाएं, जॉइंट पेन से आपको राहत मिलेगी। और रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो मेरे परिवार को ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है ना, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए शिखास किचन में इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। आप लोग कमेंट करिए कि मैं आपके लिए और किस तरह के वीडियो लेकर आऊं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।